रोहित शेखर, वो शख्स जो 7 साल तक अपनी पहचान के लिए अपने पिता से लड़ता रहा, लेकिन 15-16 अप्रैल की रात वो कातिल के आगे जिंदगी की जंग हार गया। सूत्रों के मुताबिक 15-16 अप्रैल के दरमियानी रात 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच रोहित का कत्ल किया गया था। उस रात उसने आधी बोतल शराब भी पी थी और उसके बाद उसने कोई दवा भी ली थी, जिसकी वजह से वो उस हालत में नहीं था कि वो चीख सके या कातिल से अपना बचाव कर सके। यही वजह है कि कातिल ने बड़ी ही सफाई से कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया और घर में मौजूद किसी भी शख्स को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब दिल्ली पुलिस रोहित के घर पहुंची है और शक के घेरे में परिवार के सदस्य भी हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला और घर में नौकरों से पूछताछ की है। अब सवाल यह है कि आखिर रोहित शेखर को मारा किसने? शक के घेरे में कई हैं और वो परिवार वाले भी जो उस वक्त घर पर मौजूद थे। शक नंबर 1, सिद्धार्थ, रोहित का भाई, कत्ल के वक्त घर पर मौजूद था। शक नंबर 2, अपूर्वा शुक्ला, रोहित की पत्नी। शक नंबर 3, घर के नौकर। के पति से मैंने कभी उसको नाराज होते ही नहीं देखा, कभी झगड़ा 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 तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप अगर उसको रोहित के बारे में कुछ बोलो तो उससे वो आपसे झगड़ा कर ले। पुलिस पत्नी अपूर्वा के फोन कॉल से लेकर उसकी वैवाहिक रिश्ते और रोहित की माँ उज्ज्वला से संबंध को लेकर भी खंगाल रही है। घर के नौकरों से भी पूछताछ हो रही है, नौकरों के पूरे बायोडेटे की पड़ताल हो रही है। सबसे बड़ा बात यह है कि इस मामले में परिवार वालों ने काफी समय बाद, यानी तकरीबन 10 से 12 घंटे बाद उनकी मौत के, तब उनको पता चला कि उसकी मौत हो गई। तमाम ऐसे सवाल है जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी पूछेंगे परिवार वालों से कि आखिर उन्होंने इतना लेट रिएक्ट क्यों किया। इसके अलावा इस मामले में कुछ और लोगों से भी पूछताछ होगी, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसके आधार पर जो है जाँच की जाएगी, यानी तमाम पहलुओं को जोड़कर इस पूरे मामले में जाँच लगातार आगे। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो भी कई तरह के इशारे कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहित की मौत नेचुरल नहीं है। वो न तो नशे की ओवरडोज का शिकार हुआ था और न ही उसके खून में कुछ संदिग्ध पदार्थ मिला। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शेखर की मौत दम घुटने से हुई है। संभव है कि तकिए से सांस रोककर उसकी जान ली गई हो। इस घर में कुल 7 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 2 खराब हैं। इसमें से एक कैमरा रोहित के कमरे में लगा था जो कि खराब था। अभी मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। We are looking at all the facts. जब से कोई बात आएगी सामने कॉन्क्रीट तो फिर बता। अब सवाल ये कि कैमरे को किसी ने जानबूझकर खराब किया या फिर ये एक महज इत्तफाक है, इसकी जांच भी CFL टीम कर रही है।